गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। लास्ट वीडियो में हम समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार, पहले देते क्या होती है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, हमारे संविधान में चाहे नागरिक हो, चाहे जो देश का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति हो, सबको अपने मौलिक अधिकारों के प्रति, या कहना चाहिए कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, कुछ स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में दी गई हैं, इनको हम स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वतंत्रता जो कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 19 में, या कहना चाहिए अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19। दोस्तों, इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमको भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 ए में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह दोस्तों आर्टिकल 19 ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता इसमें दोस्तों दी गई है आर्टिकल 19 बी में, या अनुच्छेद 19 बी में, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगला है 19 सी में जो दी गई है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगला है दोस्तों आर्टिकल 19 डी में, भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में अवाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अगला है दोस्तों इसमें आर्टिकल 19 ई में, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अगला है दोस्तों F 19 में, व्यापार या वृद्धि करने की स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये है हमारा आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में या आर्टिकल 19 में भारतीय संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का को प्रदान किया गया है या कौन कौन सी स्वतंत्रताएं व्यक्ति और नागरिकों को दी गई हैं, इनके बारे में दोस्तों हम अब एक एक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। ये आर्टिकल 19A या हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 19 का में इसका वर्णन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। दोस्तों यह वाक एवं अभिव्यक्ति का क्या तात्पर्य है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों यह वाक का अर्थ होता है बोलना, बोलना यानी बोलने की स्वतंत्रता। तो इस आर्टिकल में 19A में किसी भी व्यक्ति को या फिर भारत के नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है या अपनी बात को बोलने का अधिकार है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है। इसको कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। अगर हमारे विचारों से या हमारे बोलने से या हमारे कहना चाहिए विचार प्रकट करने से या हमारे बोलने से या हमको कहना चाहिए कि कोई ऐसी बात करें जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता पर आँच आए, यानी हमारे देश की एकता और अखंडता पर अगर आँच आती है तो इसको जो है सरकार कहना चाहिए इसको क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है इस पर। जैसे हमारे द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा या भारत के किसी नागरिक के द्वारा जाति धर्म या किसी अन्य मुद्दे पर जो सम्मेलन किया जा रहा है, किसी जाति धर्म या अन्य मुद्दे पर बात की जा रही है या जो भाषण दिया जा रहा है उससे कहीं सांप्रदायिकता नहीं बढ़ जाए। सांप्रदायिकता अगर उससे बढ़ती है तो हम उसको कहना चाहिए हमारी सरकार उसको प्रतिबंधित कर सकती है। तो दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से असीमित नहीं है, इस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत आती है आर्टिकल 19A में ही आती है प्रेस स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 19A या अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या होती है प्रेस की स्वतंत्रता, तो देखते हैं दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है प्रेस को सूचना के स्रोत तक जाने की पूरी स्वतंत्रता है। प्रेस सूचना के स्रोत तक पहुंच सकती है और उस सूचना को प्रसारित कर सकती है और इसका जो है यहां तक कि सूचना का विक्रय भी कर सकती है। ये सारे अधिकार जो दिए गए हैं वो इसको प्रेस की स्वतंत्रता का एक अंतर्गत माना जाता है। अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता 19A का ही हिस्सा है। दोस्तों यह प्रेस का जो संचालन होता है वो भारतीय प्रेस परिषद द्वारा होता है। भारतीय प्रेस परिषद प्रेस का संचालन करती है। प्रेस का जो संचालन करने वाली संस्था है वो है भारतीय प्रेस परिषद। इसकी स्थापना भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना जो की जाती है वो 4 जुलाई 1966 को 4 जुलाई 1966 में भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। तो दोस्तों भारत में प्रेस का जो संचालन करती है या प्रेस का जो नियंत्रण करती है वो भारतीय प्रेस परिषद द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है। इस अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, इन लोगों के द्वारा या कहना चाहिए राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों की सिफारिश पर इसको नियुक्त किया जाता है। और यही जो अध्यक्ष होता है इसका, प्रेस परिषद का जो अध्यक्ष होता है यही प्रेस परिषद का कहना चाहिए प्रमुख होता है।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रेस परिषद में कुछ सदस्य होते हैं, इसके तीन सदस्य प्रेस परिषद के तीन सदस्य जो होते हैं ये यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, इसके अलावा तीन सदस्य इसके जो होते हैं यूजीसी कॉमा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकेडमी, इनसे चुने जाते हैं। और साहित्य अकेडमी, से चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसमें तीन सदस्य और जुड़ जाएंगे जो आपके यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकेडमी से तीन सदस्यों को इसमें नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसमें तीन सदस्य लोकसभा से और दो सदस्य राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का संगठन हुआ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कौन कौन से सदस्य होते हैं और इसका एक अध्यक्ष होता है, ये पूरा इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होती है बात एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल 19B में कहा गया है या आर्टिकल 19B में कहा गया है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। दोस्तों यहाँ पर इस आर्टिकल का जो अर्थ है वो यह है कि कोई भी जो व्यक्ति होगा वो कोई भी व्यक्ति है अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अगर सरकार उसको ये अधिकार मौलिक अधिकारों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो इनको उपलब्ध कराने के लिए शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन दोस्तों ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर के, लोक हित को लेकर के, अगर लोक हित और सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध ये जाता है सम्मेलन आपका, शांतिपूर्वक सम्मेलन जो किया जा रहा है ये कहीं सार्वजनिक सुरक्षा और लोक हित के विरुद्ध जाता है तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है, इसको सीमित कर सकती है, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं दोस्तों संघ बनाने की स्वतंत्रता या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 19C में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का एक जो समूह है, भारत के नागरिकों का जो समूह है, वो एक समूह या संगठन का निर्माण कर सकता है, यानी इनको भारतीय नागरिकों को अपना समूह या संगठन बनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ तक कि इनको राजनीतिक दल स्थापित करने की भी स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है कहीं कुछ सीमित भी है, कुछ जगहों पर इसको जो कहना चाहिए इसका उल्लंघन नहीं कह सकते, कुछ जगह पर ये लागू नहीं होती है। ऐसा बोले कि समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता कुछ जगहों पर लागू नहीं होगी, जैसे सेना के और पुलिस के लिए, सेना और पुलिस को भारत में समूह या संगठन बनाने का अधिकार नहीं है या इनको ऐसी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में प्रदान नहीं की गई है। क्योंकि दोस्तों अगर सेना संगठन बना लेती है और क्या कहना चाहिए, या फिर पुलिस जो होती है किसी राज्य की पुलिस संगठन बना ले और संगठन बना करके एक दिन कह दे कि आज हम 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए हम काम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों समूह या संगठन जो बनाया था, इस समूह या संगठन में काम करने को उन्हें जो कहना चाहिए रोक दिया है, काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कहना चाहिए स्थिति में कोई भी अनैतिक गतिविधियां संचालित हो सकती हैं। इसलिए जो पुलिस के अभाव में जो है सुरक्षा में कहना चाहिए पुलिस और सेना अगर इस तरह का संगठन बना के काम करने से मना कर देती है या काम रोक देती है कामों को, तो ऐसी स्थिति में देश की जो है रक्षा पर आंच आ सकती है। इसीलिए इन लोगों को, सेना को और पुलिस को ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन समूह या संगठन बनाने और सम्मेलन कर शांतिपूर्वक सम्मेलन में जो है
कि स्वतंत्रता भारतीय संविधान में तो दी गई है, लेकिन इसमें हड़ताल इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, हड़ताल की स्वतंत्रता इसमें नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत राज्य क्षेत्र में अवाध भ्रमण की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है दोस्तों, भारत के किसी भी क्षेत्र में हम स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके लिए हम पर कोई कहना चाहिए प्रतिबंध नहीं लगेगा, प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हम इसमें किसी भी जगह पर जाकर के क्या कर सकते हैं, अवाध संचरण कर सकते हैं, आराम से बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सकते हैं या घूम सकते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में अवाध भ्रमण की स्वतंत्रता। लेकिन दोस्तों यहाँ भी ये स्वतंत्रता पूरी तरह से सीमित नहीं है, पूरी तरह से सीमित नहीं इसलिए नहीं है, कहीं ये जाकर के एससी एसटी वाले क्षेत्रों में एससी एसटी के लिए कहीं असुविधा अगर इससे पैदा होती है तो इस स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है दोस्तों, भारत के किसी भी क्षेत्र में देश का नागरिक जाकर के अपनी जगह खरीद सकता है, अपना आवास खरीद सकता है और वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक निवास करता है, कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश या पंजाब या हरियाणा किसी भी राज्य में जाकर के अपनी जगह खरीद ले और वहां पर जाके अपना घर बना ले और स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर सकता है, यहाँ इसकी किसी तरह का इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये स्वतंत्रता भी पूरी मैंने कहा था ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, इसकी भी अपनी एक सीमा है। अगर आपके निवास करने से उस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी समूह है, याद कहना चाहिए एसटी है, एससी एसटी है, या जो कहना चाहिए वहां पर निवास करने वाले जो जन समुदाय है उसको अगर असुविधा होती है तो उस असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पर भी रोक लगाई जा सकती है या इसको भी सीमित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ हुआ आपका भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता का। और बता दिया मैंने कि इसमें कहां कहां पर इस पर बाउंडेशन है, कहां कहां पर इसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली स्वतंत्रता जो दी गई है आर्टिकल 19F में जो स्वतंत्रता दी गई है वो दोस्तों स्वतंत्रता है व्यापार या वृत्ति करने की स्वतंत्रता। दोस्तों यह व्यापार वृत्ति से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत का नागरिक अपना जीवन यापन करने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए या कहना चाहिए कि जीवन के उपार्जन के लिए कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कोई भी काम कर सकता है, किसी भी व्यापार को अपना सकता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन दोस्तों लोक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है या कहना चाहिए इस व्यापार के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित कर सकती है। जैसे एक डॉक्टर के लिए या एक चिकित्सक के लिए या चिकित्सा व्यवसाय को अपनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कोई डिग्री MBBS BDS या फिर जो है आपका BAMS इत्यादि को भी कहना चाहिए कंपल्सरी या सुनिश्चित किया जा सकता है, आवश्यक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विधि व्यवसाय को अपनाना चाहता है तो दोस्तों इसके लिए LLB या विधि व्यवसाय से संबंधित कोई भी डिग्री निश्चित की जा सकती है या निर्धारित की जा सकती है, कहना चाहिए कंपल्सरी या अनिवार्य बनाई जा सकती है। दोस्तों इसे कहते हैं व्यापार या वृद्धि करने के अधिकार, लेकिन ये अधिकार भी सीमित नहीं है, सरकार लोग इसको ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कंप्लीट होता है हमारा आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19। अब दोस्तों अगले अनुच्छेद की हम बात करते हैं, अगले आर्टिकल की बात करते हैं तो वो आर्टिकल है हमारा 20, आर्टिकल 20 या अनुच्छेद 20। तो अगला जो आर्टिकल है स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों ये आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 20 है।
तो अनुच्छेद 19-20 कहता है, अनुच्छेद 20 इसमें दोस्तों अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है ना, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है दोस्तों, या ये कह सकते हैं कि अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। दोस्तों या अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण का तात्पर्य क्या है इसको हम देखते हैं। दोस्तों या अपराध की दोष सिद्धि से संरक्षण का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को जबरदस्ती अपने खिलाफ अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये दोस्तों इसका अर्थ है। दोस्तों इसके जो है अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण जो दिया गया है आर्टिकल 20 में, क्या कहना चाहिए अनुच्छेद 20 में, इसके दोस्तों तीन आधार है। पहला आधार है भूतलक्षी दंडित विधान को प्रतिबद्ध किया गया है, भूतलक्षी दंडित विधान को भूतलक्षी दंडित विधान को प्रतिसिद्ध किया जाना है ना, को प्रतिसिद्ध करना, ये दोस्तों इसका पहला आधार है, इसको ये कह सकते हैं। और दूसरा आधार इसका जो दिया गया है, इसमें दूसरा आधार इसका है दोहरे दंड से सुरक्षा, या दोहरे दंड के को कहना चाहिए दोहरे दंड से सुरक्षा, या लिख सकते हैं दोहरे दंड से सुरक्षा, ठीक है दोस्तों, ये इसका दूसरा आधार है। और तीसरा आधार जो दिया गया है दोस्तों, इसका तीसरा आधार है आपका स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण, स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण, के विरुद्ध संरक्षण, संरक्षण। अब दोस्तों इसको देखते हैं आर्टिकल 20 को, आर्टिकल 20 पे या अनुच्छेद 20 पर किसका वर्णन किया गया है, तो यह दिया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को उस पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, या जबरदस्ती उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये दोस्तों अर्थ होता है अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। तो दोस्तों इसके तीन आधार बताए गए हैं, नंबर एक भूतलक्षी दंडित विधान को प्रतिसिद्ध करना, दोस्तों इसका अर्थ है कि कोई भी ऐसा विधि या कोई भी ऐसा कानून जो पहले चलता था उसको वर्तमान में किसी भी व्यक्ति पर नहीं थोपा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, और उस व्यक्ति को उस समय जब उसने अपराध किया था, माना उसने अपराध सन 2000 में किया था, तो 2000 में उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान 1 साल था, और वर्तमान में उस अपराध की सजा का जो प्रावधान है वो 3 साल है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को 3 साल की सजा नहीं दी जा सकती। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि इसमें जो अपराध जिस समय किया गया था उसी समय अपराध के लिए जो सजा के प्रावधान थे वही उस व्यक्ति पर लागू होंगे, ये दोस्तों इसका अर्थ होता है भूतलक्षी दंडित विधान को प्रतिसिद्ध किया जाना, मीस
पुरानी विधि पर या पुराने कानून पर नया कानून को उस समय नए कानून को उस समय पर प्रभावी नहीं किया जा सकता जब उस व्यक्ति ने अपराध किया था। उस समय जितना दंड का प्रावधान था वही दंड इसे दिया जाएगा, नई विधि के अनुसार इसको दंड नहीं दिया जाएगा। ये दोस्तों इसका पूरा अर्थ है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोहरे दंड से सुरक्षा। दोहरे दंड से सुरक्षा का अर्थ है एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति जिस पर अपराध जो कहना चाहिए आरोपित किया गया है, इस पर आरोप लगाए गए हैं या फिर वो व्यक्ति अपराधी है, तो उस कंडीशन में दोस्तों एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जा सकती या एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा के प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं। इसका अर्थ होता है इसका जो इसलिए अर्थ है दोहरे दंड से सुरक्षा, अर्थात दोहरे दंड से जो संरक्षण प्रदान किया गया है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, एक से अधिक सजाएं उसको एक अपराध के लिए नहीं दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला है स्वयं अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात इसका अर्थ ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो पुलिस या कोई भी व्यक्ति, इसको पुलिस या कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई संगठन इस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी के व्यक्ति के द्वारा, पुलिस के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा या कहना चाहिए किसी समूह के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध या अपने विरुद्ध कहना चाहिए अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे जबरदस्ती अपराध को स्वीकार नहीं कराया जा सकता या जबरदस्ती अपराध स्वीकार करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अर्थ होता है दोस्तों स्वयं अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण का। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल हमारा 20 कंप्लीट होता है और अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या है या अनुच्छेद 21 क्या है, अब हम बात अनुच्छेद 21 की करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 21 में जो बात की गई है दोस्तों, ये बात की गई है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब दोस्तों ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है इसके लिए हमको देखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अर्थ बताया जाता है या कहना चाहिए इसका अर्थ लगाया जाता है, ये इसका कहा जाता है, इसके बारे में जो बताया जाता है वो यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा विधित प्रक्रिया के बिना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो कोई भी जो व्यक्ति है उसको विधि द्वारा विधित प्रक्रिया के बिना या बिना किसी कानून के उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से हम उसको वंचित नहीं कर सकते या सरकार उसको वंचित नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है, लेकिन वास्तव में इसका जो अर्थ देखा जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है दोस्तों जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसको सही समझना है तो आपको इस रूप में समझना पड़ेगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता। और तो और हम इसको और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो गरिमा में, गरिमा में जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये कहना तो और ज्यादा ठीक है ना दोस्तों। तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता को हम समझने के लिए, क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के लिए हम इसको दूसरे रूप में पढ़ेंगे। तो जो संवैधानिक रूप से इसका अर्थ है मैंने बता दिया है आपको, अब इसको हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने अनुसार पढ़ते हैं जिससे हम क्वेश्चनों को सही कर सकें। तो दोस्तों इसका गरिमा में जीवन जीने की स्वतंत्रता इसका अर्थ है।
अब दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं तो निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता को दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता का अर्थ यह है कि माना किसी व्यक्ति पर एक आरोप लगाया जाता है, आरोप उस पर लगाया जाता है और उस व्यक्ति के पास कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए या अपनी मर्जी का या कहना चाहिए एक एडवोकेट या वकील जो उसका पक्ष रख सके, इसके लिए उस पर कहना चाहिए धन की व्यवस्था नहीं है या उसकी फीस देने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को कानूनी सहायता नहीं मिल पाएगी। इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार ने जो व्यवस्था की, हमारे संविधान में जो व्यवस्था की है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, इनको निःशुल्क एक सरकार की तरफ से एक एडवोकेट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है विधिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है दोस्तों, एक तो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार इसमें आता है, दूसरा दोस्तों विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण को भी दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार में भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों मेनका गांधी मामले में किया गया था, मेनका गांधी के मामले में, है ना, मेनका गांधी मामले में, मेनका गांधी मामले में विदेश भ्रमण को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा त्वरित विचारण का अधिकार, त्वरित विचारण का अधिकार, त्वरित विचारण का अधिकार, विचार करने का जो भी अधिकार है, विचारण का अधिकार। ठीक है दोस्तों, विचार करने का जो अधिकार है ये भी इस पर जो है इसी में आएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने का अधिकार, लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को, लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने का अधिकार, लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने का अधिकार। इसके अलावा दोस्तों लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के अधिकार के अलावा पुलिस के शोषण से, पुलिस के शोषण से रक्षा, शोषण से सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, जीविका चलाने का अधिकार, अपने जीविका उपार्जन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार या जीविका चलाने का अधिकार, का अधिकार, ये भी दोस्तों प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे इसका जो ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो है आपका 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अधिकार, ये भी प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसको दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो भी है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा आर्टिकल 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, तो आप नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों जो स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 22, आर्टिकल 22
यानी कि आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 इसमें दोस्तों जो प्रावधान किया गया है वह दिया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण, से संरक्षण। यहां दोस्तों गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। गिरफ्तारी से संरक्षण को जो प्रक्षिप्त किया गया है या यहां पर कहना चाहिए गिरफ्तारी से संरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो दोस्तों आर्टिकल 22 में किया गया है। तो दोस्तों यहां इसका अर्थ है गिरफ्तारी से संरक्षण का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार किया जाता है तो उसके संरक्षण देने के लिए या उसको गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसका पूरा वर्णन इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस आर्टिकल में सात भाग है, यानी कि इसके उपभाग के रूप में इस आर्टिकल के में तो सात और है। ठीक है दोस्तों, तो यह गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। यह गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो पहला अधिकार तो यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को है ना डायरेक्ट लिख देते हैं, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को किस वजह से गिरफ्तार किया है, उसका क्या कारण है, उसे उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा बताया जाएगा, पुलिस उसे बताएगी। दूसरी बात, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में 24 घंटे के भीतर निकटस्थ न्यायालय में सशरीर पेश किया जाएगा, दोस्तों इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को अगर बिना कारण के बंदी बना लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। ये तो पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है उसको जो अधिकार दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर उसके नजदीकी या निकटस्थ न्यायालय में उसको पेश करना पड़ेगा, दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा और सशरीर पेश किया जाएगा। दोस्तों सशरीर से तात्पर्य शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए है, अर्थात उस व्यक्ति की बिना मारपीट किए उसको कहना चाहिए 24 घंटे में निकटस्थ न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें 24 घंटे का जो समय रहता है इसमें यात्रा का समय या आने जाने का समय शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक अधिकार यहां और दिया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से या एडवोकेट से परामर्श करने का अधिकार होगा, करने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी एडवोकेट की सहायता से अपने एडवोकेट से परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है, इस सब का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा आर्टिकल 22 यानी गिरफ्तारी से संरक्षण। लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिकल है वो कुछ दशाओं में लागू नहीं होता, जैसे अगर किसी व्यक्ति को या किसी शत्रु देश के व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह आर्टिकल लागू नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कुछ
नियम है उन पर ये लागू नहीं होता। जैसे नंबर एक निवारक निरोधक निवारक निरोध अधिनियम 1950 है ना, निवारक निरोध अधिनियम 1950, निवारक निरोध अधिनियम 1950 पर यह लागू नहीं होगा। ये दोस्तों पहला निवारक निरोध अधिनियम है जिसमें जो कहना चाहिए विरोधी तत्वों को या राष्ट्र विरोधी तत्वों पर यह नियम लागू होता है या यह अधिनियम लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला निवारक निरोध अधिनियम था जिसे 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया निवारक निरोध अधिनियम भारत का पहला अधिनियम है जिसमें राष्ट्रद्रोही लोगों के विरुद्ध या राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध इस कानून को जो है बनाया गया, उनके समाधान के लिए बनाया गया, लेकिन इसको 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया गया। ये कानून 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, 1 अप्रैल 1951 को इसको समाप्त होना था, लेकिन इसको समाप्त जो किया गया वो 31 दिसंबर 1971 को, 31 दिसंबर 1971 को समाप्त, यह कानून समाप्त कर दिया गया जो राष्ट्रद्रोहियों या देशद्रोहियों पर लागू होता था। इस आर्टिकल में भी गिरफ्तारी से संरक्षण अर्थात आर्टिकल 22 या 22 लागू नहीं होता। दूसरा कानून है दोस्तों जिस पर यह आर्टिकल लागू नहीं होगा वह कानून है मीसा, मीसा मीस आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, अधिनियम इसे दोस्तों मीसा बोलते हैं, मीसा। ठीक है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम ये आपको जो बता दूं 1971 में बना था, एक कब बना था 1971 में, 1971 में कानून बना था, इस पर भी हमारा गिरफ्तारी से संरक्षण वाला कानून लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम, विदेशी मुद्रा है ना, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी एवं तस्करी अधिनियम, तस्करी निरोध अधिनियम 1974, ठीक है दोस्तों, इस पर भी यह लागू नहीं होता है, इस पर भी ये जो है आर्टिकल 22 लागू नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों टाडा कानून जो था आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, ठीक है दोस्तों, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी आतंकवादी एवं विध्वंस आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, गतिविधियां निरोधक कानून, कानून, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं टाडा, इसको हम टाडा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, टाडा, तो टाडा पर जो आतंकवाद से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं या आतंकवाद से जुड़े जो लोग होते हैं, आतंकवादी संगठन से जुड़े लोग होते हैं जो देश हित के लिए या राष्ट्र के लिए कहना चाहिए राष्ट्र के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं या ये कह सकते हैं देश या राष्ट्र के विरुद्ध अनैतिक गतिविधियों को जन्म देते हैं, उन पर भी आतंकवाद निरोधक एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक अधिनियम टाडा लागू होता है। तो टाडा में भी यह कानून लागू नहीं होता या आर्टिकल 22 लागू नहीं होता। इसके अलावा एक कानून दोस्तों और है कोटा, तो कोटा कानून जो है कोटा कानून ये भी दोस्तों आतंकवाद से संबंधित कानून है, इस पर भी
इस कोटा अधिनियम पर भी जो है ये लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कोटा अधिनियम 2001 में लागू किया गया था और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। 2001 में लागू हुआ था ये और 2004 में समाप्त, 2004 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। इस पर भी कहना चाहिए ये कानून लागू नहीं होता, अर्थात हमारा आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आज का वीडियो जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार को डिस्कस किया गया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें। धन्यवाद।